ऋषि नारद आकाश में प्रकट होकर नारायण नाम की अलख जगा रहे हैं। अजमन नारायण 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 रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा, मैं जानता हूं महर्षि कि देवराज इंद्र को श्राप देने के कारण आप व्यथित व चिंतित हैं, परंतु महर्षि इस संसार में जो कुछ भी घटता है वो देव देवेश्वर भगवान नारायण की इच्छा के अनुसार ही घटता है। ये सत्य अब आपको समझाना आवश्यक हो गया है। नारायण नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण का लीला अवतार नारद भगवान शिव के अंशावतार महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करता है। आपके यहाँ अचानक आने का कारण देवर्षि? नारायण नारायण महर्षि दुर्वासा, मैं भली भांति जानता हूँ कि आप देवराज इंद्र को शाप देने के कारण दुखी व्यथित व चिंतित हैं, इसलिए मैं आपको आश्वस्त करने आया हूँ। महर्षि आप भगवान नारायण की रहस्यमय लीलाओं से अनजान तो नहीं? जो कुछ घटित हुआ है उनके इच्छा संकेत से ही घटित हुआ है। देवराज इंद्र को शाप देने के पीछे भगवान नारायण का इच्छा संकेत, ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? नारायण नारायण मेरे कथन पर संदेह न करें ऋषि, शीघ्र ही घटित होने वाली उस महान घटना का आपको निमित्त बनना है, सो आप बन गए। किस महान घटना का देवऋषि? ऋषिवर आपने जो कुछ किया उससे देवताओं का हित ही होगा। मेरे भयानक क्रोध से देवताओं का हित कैसे हो सकता है देवऋषि? नारायण नारायण मेरी बातों पर विश्वास करें रुद्रावतार, इसलिए दुख चिंता व्यथा व पश्चाताप को त्याग कर संसार के इस पृष्ठभूमि पर घटित होने वाली महान घटना के साक्षी बने जिसका माध्यम आप बन चुके हैं। अपनी रहस्यमय बातचीत से मुझे अपने ही समान जिज्ञासा के सागर में न धकेले देवऋषि। सत्य कहें किस घटना का उल्लेख कर रहे हैं आप? नारायण नारायण महर्षि दुर्वासा, शीघ्र ही आपको मेरे कथन और घटित होने वाली उस महान घटना के सत्य का ज्ञान हो जाएगा। प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण की लीला अवतार नारद का स्वभाव ही समाचारों का आघात करके अदृश्य हो जाना है, परंतु मुझे ये तो जानना ही होगा कि मेरा भयानक शाप देवताओं के हित का कारण कैसे बनेगा। हर हर महादेव, जब तक मैं सत्य नहीं जान लूंगा मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। हर हर महादेव महादेव हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। अपने अवतार दुर्वासा का प्रणाम स्वीकार करें महादेव, प्रणाम स्वीकार करें। रुद्रावतार दुर्वासा, हमने तुम्हारे शाप के प्रभाव की झलक देख ली। देवाधिदेव, इसका अर्थ तो ये हुआ कि आपको मेरे यहाँ आने का ज्ञान पहले ही हो गया था। जिस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो वह प्रश्न पूछते ही क्यों? इस संसार में घटने वाली भूत भविष्य और वर्तमान की हर घटना का ज्ञान हमें साधारण रूप से हो जाता है। क्षमा करें हे क्षमा निधान, उत्सुकतावश मैं ये सत्य भूल गया। मैं तो केवल एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपकी समीप आया। तुम्हारे उस प्रश्न को भी हम जानते हैं दुर्वासा, तुम देवर्षि नारद की बात का समर्थन हमसे करवाना चाहते हो। तुम्हें इस बात पर घोर आश्चर्य है कि तुम्हारा भयानक शाप देवताओं का हितलाभ कैसे करेगा? हाँ हाँ प्रभु,
मैं यही जानना चाहता हूँ कि शाप अहित के बदले हित का कारण कैसे बन गया। मैंने तो देवराज को पराजय और संसार को श्रीहीन होने का भयानक शाप दिया था, परंतु देवर्षि नारद। मैं देवर्षि नारद की बात का समर्थन करता हूँ। भगवान नारायण के रहस्यमय लीलाओं के तुम एक माध्यम बने, साधन बने। तुम्हारे ही कारण देवराज इंद्र को अपने अहंकार और अभिमान का दंड मिला, परंतु तुम्हारा शाप तो एक महान घटना की केवल भूमिका थी। इसलिए शाप देने के अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। भोलेनाथ, क्या मैं उस महान आश्चर्यकारी घटना के विषय में जान सकता हूँ? तुम हमारे अंशावतार हो दुर्वासा, तुम अपने दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके सब कुछ जान सकते हो, परंतु हम तुम्हें इस समय दिव्य दृष्टि का प्रयोग करने की आज्ञा नहीं देंगे। ऐसा क्यों भोलेनाथ, ऐसा क्यों? समय आने पर तुम ही नहीं सारा संसार भगवान नारायण की उस महान लीला का साक्षी बनेगा। उस लीला का रहस्य समय से पहले जान लेना अनुचित है। तुम इस समय उसे जानने का कष्ट ना करो। लोक कल्याण की पावन भावना के साथ संसार के भ्रमण का कार्य करते रहो, तुम्हारा कल्याण हो। चिंता का कारण जान सकती हूँ? नागरानी, अपने मन की चिंता का अंत करने के लिए मैं भगवान नारायण की आराधना कर रहा हूँ। देव देवेश्वर के नाम के स्मरण मात्र से चिंतित मन शांत होने लगता। परंतु आपकी चिंता क्या है स्वामी? इस समय नागलोक पर तो मुझे कोई संकट मंडराता दिखाई नहीं देता। नाग महारानी, कभी कभी संकट प्रकट रूप से दिखाई नहीं देता, परंतु मन चिंतित हो उठता है। मन की चिंता सदा सत्य तो नहीं होती स्वामी। नाग महारानी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी अंतरात्मा मुझे आने वाले संकट की सूचना दे रही है। इसीलिए मैं जगत का कल्याण करने वाले महाप्रभु नारायण की आराधना कर रहा हूँ। क्या संकट हो सकता है वो? इसका अनुमान लगा पाना तो मेरे लिए कठिन है महारानी, किंतु संकट मेरे सर पर मंडरा रहा है, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। नागलोक में आपका स्वागत है देवऋषि। नागराज, भगवान नारायण की आज्ञा से मैं आपको एक ऐसा संदेश सुनाने आया हूँ जो आपके लिए कठिन परीक्षा से हो सके। नागराज, हर कठिन परीक्षा का अर्थ चिंता का कारण नहीं है। नारायण नारायण, भगवान नारायण के हर संदेश में धर्म और लोक कल्याण की भावना ही प्रमुख है। देवऋषि, मुझे जगत के आधार देव देवेश्वर
महाप्रभु नारायण पर पूर्ण विश्वास है। देव देवेश्वर भगवान नारायण पर विश्वास करने वाला कभी भी असफल नहीं होता। नारायण नारायण। नागराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस कठिन परीक्षा में अवश्य ही सफल होंगे और आपकी यश कीर्ति में वृद्धि होगी। देव ऋषि, कृपा करके महाप्रभु का संदेश शीघ्र सुनाए। नागराज, आप तो जानते ही हैं कि रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा के श्राप का लाभ उठाकर अधर्म द्वारा उत्तेजित दैत्यों ने स्वर्ग में देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। पाताल लोक की हलचल से हमें दैत्यों की विजय का आभास हो गया था। देव ऋषि, दैत्यों की स्वर्ग विजय से महाप्रभु नारायण के संदेश का क्या संबंध? संबंध है नाग महारानी, संबंध है। दैत्यों की स्वर्ग विजय सृष्टि के विधान के विरुद्ध और महर्षि दुर्वासा के श्राप का परिणाम। अतः भगवान नारायण देव और दानवों में मित्रता करवा कर भविष्य के संघर्ष को ही समाप्त करवाना चाहते हैं। देव दानव की मित्रता, ये कैसे संभव हो सकता है? देव ऋषि, महाप्रभु ने देव व दानवों के सम्मिलित प्रयास से सागर मंथन का निश्चय किया। सागर मंथन? नारायण नारायण। सागर मंथन से अनेक बहुमूल्य रत्नों के साथ ही साथ अमृत भी निकला, जिसका योग्यता अनुसार देव व दानवों में विभाजन किया। देव ऋषि, देव दानव एक नहीं अनेक सागर मंथन करें, परंतु मुझे उससे क्या? नागराज, इस सागर मंथन में आपको रज्जु अर्थात रस्सी और पर्वत श्रेष्ठ मंद्राचल को मंथनी का कर्तव्य निभाना। आप किस सोच में पड़ गए नागराज? नहीं देव ऋषि, नहीं, सागर मंथन में मैं रज्जु बनने की स्वीकृति नहीं दे सकता। रत्न पाए देव दानव और शरीर चकनाचूर हो मेरा, पहाड़ से रगड़ कर मेरा शरीर आहत हो जाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। नागराज, ये तो लोक कल्याण और परोपकार का कार्य है। नारायण नारायण। अपने शरीर को कष्ट देकर ही तो परोपकार का कार्य किया जाता है। ऐसे परोपकार को मैं दूर से प्रणाम करता हूँ देव ऋषि। मेरे लिए पहले आत्मा है तब परमात्मा है, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो परोपकार कैसा? मैं सागर मंथन के लिए नहीं जाऊंगा देव ऋषि। अमृत पिए देव दानव और मसला जाए मेरा शरीर? ना देव ऋषि ना। आप देव देवेश्वर भगवान नारायण की आज्ञा को अस्वीकार कर रहे हैं? मैं अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ देव ऋषि, सोच रहा हूँ कि नारायण नारायण। आप किस सोच में डूब गए नागराज? यदि आपने सागर मंथन कार्य में सहयोग दिया तो हो सकता है कि देव और दानव आपको भी अमृत का कुछ भाग दें। नारायण नारायण। देव ऋषि, यदि मुझे भी अमृत मिले तो मैं जा सकता हूँ? नारायण नारायण। अमृत के लोग नहीं सही, आपने सागर मंथन कार्य को स्वीकृति देकर हमें धन्य कर। परंतु देव ऋषि, सागर मंथन के समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। किस बात का नागराज? देव ऋषि, आप तो जानते हैं मेरे शरीर में भयानक विष भरा हुआ है। सागर मंथन के समय देव दानव जब मेरे शरीर पर शक्ति परीक्षण करेंगे तब मेरे सहस्त्रों फणों से विष की लपटें निकलेंगे। नारायण नारायण। देव ऋषि, आप अपनी चतुराई का प्रयोग करके सागर मंथन के समय देवताओं को मेरी पूंछ की और दैत्यों को मेरे। धन्य धन्य नागराज धन्य। देवताओं के कल्याण का परामर्श सुनकर मैं धन्य हो गया। आपका कल्याण। नारायण नारायण। नागरानी, मेरी अंतरात्मा की पुकार अब स्पष्ट हो गई। भगवान नारायण के आदेश का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। ओम नमो नारायण। सच्चिदानंद भगवान नारायण, मेरे स्वामी की रक्षा करना। रजाने पत्थर, हमें इस प्रकार दुष्ट शत्रु दैत्य भी शांत रहने वाले नहीं है। अब वो दिन दूर नहीं जब दुष्ट दैत्य दानव प्रतिलोक पर भी अपना अधिकार कर लेंगे। महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण हम इन्हें
पृथ्वीवासी भी क्षीण और शक्तिहीन हो गए हैं। जब हम दिव्य शक्ति संपन्न देवता उनका सामना न कर सके तो वे साधारण पृथ्वीवासी क्या करेंगे? देव देवेश्वर, भगवान नारायण पर विश्वास रखें स्वामी। समुद्र मंथन के साथ ही हमारी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। देवराजेंद्र, 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 मेरी बात सुने देवराजेंद्र, देवराजेंद्र मेरी बात सुने, देवराजेंद्र मेरी बात सुने, देवराजेंद्र, देवराजेंद्र मेरी बात सुने। देवराज, के कारण देव दानव युद्ध में देवताओं की पराजय हुई। देवताओं की पराजय से मैं अत्यंत दुखी हूँ। यदि आप सब लोगों को निवास और शरण के लिए कोई उचित स्थान न मिल रहा हो तो मंदराचल पर्वत के आंचल में निवास करके मुझे धन्य करें। पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल, आपका कृपा प्रस्ताव पाकर हम धन्य हुए। देव देवेश्वर भगवान नारायण की कृपा से हम अधिक समय तक निराश्रित नहीं रहेंगे। जिसे देव देवेश्वर भगवान नारायण का इष्ट हो वह कभी भी निराश्रित नहीं रहता। सत्य वचन पर्वत श्रेष्ठ, भगवान नारायण ने देवताओं के उद्धार का जो उपाय सोचा है उससे शीघ्र ही देवताओं को सम्मान प्राप्त होगा। देव शशि, क्या उपाय सोचा है देव देवेश्वर नारायण ने? नारायण 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 पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल, देव देवेश्वर की उपाय योजना से देवता अपना खोया हुआ सम्मान अवश्य प्राप्त करेंगे। देव ऋषि, देवताओं को सम्मान प्राप्त करने के लिए महाप्रभु ने क्या उपाय बताया है? नारायण नारायण पर्वत श्रेष्ठ, महाप्रभु का बताया हुआ उपाय सफल हो इसके लिए देवताओं को आपके सहयोग की भी आवश्यकता है। देवताओं का सम्मान यदि मेरे सहयोग से स्थापित हो तो ये मेरा सौभाग्य होगा। देव ऋषि पर्वत श्रेष्ठ, महाप्रभु नारायण देव और दानवों के सम्मिलित प्रयास से सागर मंथन की योजना बनाई और सागर मंथन के कार्य में आपको दंड का कर्तव्य दिया। यही संदेश देने के लिए मैं यहाँ प्रकट हुआ। सागर मंथन, सागर मंथन से देवताओं को सम्मान किस प्रकार प्राप्त होगा देवर्षि? नारायण नारायण, देव और दानवों के समुद्र मंथन से समुद्र के अतल तल में छिपे बहुमूल्य रत्नों के साथ अमृत भी निकलेगा जिसे पीकर सारे देवता अमर हो जाएंगे। परंतु देवर्षि, नारायण नारायण, आप चिंतित न हो पर्वत श्रेष्ठ, इस महान और विराट कार्य को संपन्न करने के लिए देव देवेश्वर भगवान नारायण स्वयं अवतार धारण करेंगे, अतः आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। जैसी महाप्रभु की इच्छा देवर्षि, मैं इस आयोजन को सफल करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दूंगा। पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल, लोक हित और संसार के कल्याण के लिए आयोजित सागर मंथन के कार्य को स्वीकृति प्रदान कर आपने अपने यश कीर्ति में वृद्धि कर दी। आपका नाम संसार के इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। आपका कल्याण। नारायण नारायण। पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल, देव और दानव के संघर्ष में आपका सक्रिय सहयोग इतिहास में आपका नाम अमर कर देगा। देव देवेश्वर भगवान नारायण की इच्छा से समुद्र देव, नागराज वासुकी और पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अब केवल दैत्यों की स्वीकृति प्राप्त करनी शेष है। देव ऋषि, दैत्यों की स्वीकृति प्राप्त करना सबसे कठिन है। दैत्य और दानव दुष्ट और हठी होने के साथ साथ उल्टी मति के भी हैं। नारायण नारायण,
उल्टों के साथ उल्टा व्यवहार करना ही नीति सम्मत है। इस उल्टे कार्य को संपन्न करने के लिए आप सभी को हमारे साथ स्वर्गलोक चलना होगा। देवऋषि, हमें देखकर दैत्य और दानव उत्तेजित और क्रोधित हो जाएंगे। देवऋषि, दैत्य सेनापति राहु के स्वभाव को आप भली भांति जानते हैं। क्रोध और प्रतिशोध ही उसके जीवन का मुख्य आधार है। देवऋषि, राहु के रहते हम देवताओं का स्वर्ग जाना उचित नहीं होगा। उचित तो यही होगा देवऋषि, आप ही स्वर्ग लोग जाकर दैत्य और दानवों की स्वीकृति प्राप्त करें। देवताओं का कथन उचित है देवऋषि, क्रोध और उत्तेजना से भरकर दैत्य और दानव कोई अनर्थ करें, इससे उचित यह होगा कि आप ही स्वर्ग जाएं। नारायण नारायण, उनकी उत्तेजना और क्रोध को शांत करके हमें अपना काम निकालना है। आप निश्चिंत रहें, देव देवेश्वर भगवान नारायण की कृपा हमारे साथ है, हमारा कल्याण ही होगा। जैसी आपकी आज्ञा देवेश, चलो देवताओं स्वर्ग चले। ठहरो देवगणों, उत्तेजना व उतावली दैत्यों के साथ ही भली लगती है। कहीं भी जाने से पूर्व भविष्य के बारे में विचार करना परम आवश्यक है। हम कुछ समझे नहीं देवेश। देवी सची का स्वर्ग लोक जाना उचित नहीं होगा। आप उचित कह रहे हैं देवेश। मेरे लिए क्या आज्ञा है देवऋषि? नारायण नारायण, देवी सची आप मंदराचल पर्वत क्षेत्र में ही हमारी प्रतीक्षा करें। नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति दैत्यराज विप्रचिति, महारानी सिंहिका और दैत्य सेनापति राहु की जय। स्वर्गाधिपति दैत्यराज विप्रचिति, महारानी सिंहिका और दैत्य सेनापति राहु की जय। बंद करो ये जय जयकार। परमवीर पुत्र राहु, तुम्हारे इस असमय क्रोध का कारण क्या है? महारानी सिंहिका, आप पुत्र राहु को भलीभांति जानती हैं। वो स्वर्ग विजय से संतुष्ट नहीं है। वो दैत्य जाति की विजय पताका तीनों लोकों पर फहराना चाहता है, जो कि इस समय हमें प्रिय नहीं है। पिताश्री, स्वर्ग के भोग विलास से आप संतुष्ट हो सकते हैं, परंतु मैं नहीं। वो दानव ही क्या जो संतुष्ट होकर एक स्थान पर बैठ जाए। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पृथ्वी पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में करना चाहता हूँ। नहीं पुत्र, इस समय दैत्य और दानवों का मार्गदर्शक अधर्म हमारे साथ नहीं है। ऐसे में किसी अभियान का प्रारंभ करना उचित नहीं है। हमें अपने हर कार्य में अधर्म के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपनी शक्ति पर संपूर्ण विश्वास है। जब दिव्य शक्ति संपन्न देवता हमारे भय से सोच छोड़कर भाग गए, तो साधारण पृथ्वीवासी किस प्रकार हमारा सामना कर सकते हैं? नहीं राहु, पृथ्वीवासियों को साधारण समझने की भूल ना करो। अर्थात पृथ्वीवासी अपने पराक्रम से परमवीर राहु को समाप्त कर देंगे। मुझे आपकी सोच पर दया आती है पिताश्री। तुम नहीं जानते पुत्र राहु, पृथ्वीवासियों की रक्षा त्रिदेव और संसार की सारी शुभ शक्तियां करती है। स्वर्ग की शोभा कितनी अद्भुत है। यह हमारा दुर्भाग्य है देवऋषि कि बार बार स्वर्ग दैत्य दानवों के अधिकार में आ जाता है। हमें स्वर्ग से दूर रहना तनिक भी प्रिय नहीं है, तनिक भी प्रिय नहीं। नारायण नारायण, स्वर्ग से दूर रहना या स्वर्ग की सुविधाओं से दूर रहना? क्षमा करें देवऋषि, बहुत लंबे समय बाद स्वर्ग को इतने समीप से देखकर हमारा हृदय दुखी हो गया है। मैं आपका दुख जानता हूं देवराज, इस समय हम आपके दुख के उपचार के लिए ही स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। आप अपनी भावनाओं पर अंकुश रखें, अन्यथा दुष्ट बुद्धि दैत्यों को हमारे आने में षड्यंत्र की गंध आने लगेगी। नारायण नारायण। दुष्ट देवताओं, तुम्हें देखते ही मेरे भीतर षड्यंत्र की गंध आने लगती है। भुज अधर्म की कृपा प्राप्त दैत्यों को समुद्र मंथन का लोभ दिखाकर बहकाने का प्रयास ना करो ना करो। लौट जाओ यहां से। नारायण नारायण। अधर्म,
तुम भली भांति जानते हो कि नारद अपना कार्य कभी अधूरा नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ता नारद, नहीं छोड़ता होगा, किंतु अब छोड़ना ही होगा, क्योंकि स्वर्ग अब हमारा है और मैं तुम सबको स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। स्वर्ग पर रोक तो तुम्हारे लिए है अधर्म, हमारे लिए नहीं। देवताओं का स्वर्ग पर जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम कायर देवताओं को पराक्रमी दैत्यों के विरुद्ध भड़काने का दुस्साहस ना करो नारद। जिन देवताओं का स्वर्ग पर जन्म सिद्ध अधिकार है वे आज श्री की खोज में मारे मारे फिर रहे हैं। नारायण नारायण, इस खोज के बाद वे एक ऐसा आश्रय बनाएंगे जहां तुम्हारी शक्ति व पहुंच कहां के बराबर है। भरत, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा अधर्म। नारायण नारायण। ऐसा ही होगा नारायण नारायण। ऐसा ही होगा, किंतु ऐसा तब होगा जब छलिया नारायण के समुद्र मंथन को दैत्य अपनी स्वीकृति देंगे, और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तुम दैत्यों को मूर्ख बनाकर छल से विजय पाना चाहते हो? असंभव, अधर्म के रहते यह असंभव है। प्रिय धर्म, तुम्हारे ना रहने पर तो ये संभव है। मैं दैत्यों को तुम्हारे षड्यंत्र के विरुद्ध सावधान करूंगा करूंगा। तुम्हारा छल कभी पूर्ण नहीं होगा। संसार में अधर्म का बोलबाला है और रहेगा। धर्म का नाश होगा और अधर्म की विजय होगी। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। ओम नमो नारायण। ओम नमो अधिपति की जय हो। सेनापति लोमासुर, इस प्रकार हाथ में तलवार लिए हमारी जय जयकार करने का कारण क्या है? स्वर्गाधिपति, दुष्ट दैत्य शत्रु देवता देवर्षि नारद के साथ स्वर्ग लोक की ओर आ रहे हैं। इस अवसर को जाने ना देना दैत्य वीरो। आज दुष्ट देवता स्वर्ग से जीवित नहीं लौटेंगे। ठहरो, तुम किससे युद्ध करने जा रहे हो? सम्राट विप्रचित, दुष्ट देवता आज स्वयं ही हमारी तलवार की प्यास बुझाने स्वर्ग पहुंचे हैं। तुम्हें आज्ञा दीजिए, हम उनसे युद्ध करेंगे। युद्ध? युद्ध उससे किया जाता है जो युद्ध की कामना लेकर उपस्थित हुआ हो। देवता खाली हाथ आ रहे हैं, उनके पास ना अस्त्र है ना शस्त्र। ऐसे में युद्ध की योजना बनाना अनुचित है। शत्रु को जीवित छोड़ना भी तो नीति सम्मत नहीं है। विश्वास नहीं होता कि युद्ध नीति का ऐसा अनुचित ज्ञान तुम्हारे जैसा महावीर बता रहा है। मैं नीति और ज्ञान की नहीं, युद्ध की बात कर रहा हूँ। और शत्रु का अंत करना युद्ध की ही एक नीति है। आप मुझे रोके ना पिताश्री, इन दुष्ट देवताओं का वध करने की मुझे आज्ञा दे। नहीं राहुल, इस समय अपने ऋषि नारद मुनि के साथ देवता स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए नहीं, मैं त्रिभाव लेकर आए हैं। देवर्षि नारद का उनके साथ होना मेरी इस बात का प्रमाण है। इस दशा में दैत्य जाति को देवताओं का स्वागत करना है। सेनानायक लोमासुर, आज्ञा स्वर्गाधिपति। तुम प्रमुख और प्रधान दैत्यों को लेकर अतिथि देवताओं और देवर्षि नारद को सत्कार पूर्वक मेरे समीप ले आओ। जो आज्ञा स्वर्गाधिपति। चलो। ओम
सेनाधिपति की जय हो। नारायण नारायण। स्वर्ग में आपका स्वागत है देवर्षि। पधारे देवराज, पधारे देवगणों। स्वर्ग में पधारकर आप सबने हम पर कृपा की है। पधारे। स्वर्गाधिपति महाराज विप्रचित्ति, आपके व्यवहार व नीति ज्ञान ने मुझे चकित कर दिया है। स्वर्गाधिपति, हम इस समय देवऋषि नारद के साथ आपके समीप एक विशेष कार्य से आए हैं। देवेंद्र, आप यहाँ आए हैं तो किसी विशेष कार्य से आए होंगे। उन सब विषयों पर हम अवश्य चर्चा करेंगे, किंतु इससे पहले आप हमारा आतिथ्य ग्रहण करें। नारायण नारायण। धन्य है आप महाराज विप्रचित्ति और धन्य है आपका स्वभाव, परंतु जिस कार्य से हम यहाँ आए हैं वह आतिथ्य से भी अधिक महत्वपूर्ण, अधिक आवश्यक है। ऐसा कौन सा आवश्यक काम आ पड़ा है, कहें देवेंद्र। स्वर्गाधिपति, हम इस समय स्वर्ग में एक मैत्री प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि आप इसे माने तो हम कहें। बिना सुना ही हम कैसे कह दें कि हम आपका प्रस्ताव मान लेंगे। पहले आप बताएं कि आपका प्रस्ताव क्या है, उसे सुनने के बाद हम अपने सेना नायक और मंत्रियों से विचार विमर्श करेंगे। जैसी सबकी राय होगी वैसा हम आपको निवेदन कर देंगे। स्वर्गाधिपति, हम देव और दानव सगे भाई हैं। हमारे पिता तो एक ही हैं। माताएं अलग होने के कारण हमारे नामों और कामों में कुछ भेद हो गया है, फिर भी हैं तो हम भाई। हम चाहते हैं कि हम देव दानवों के मध्य ये संघर्ष और युद्ध सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। क्या संभव है, उसका प्रस्ताव करना व्यर्थ है इंद्र, व्यर्थ। तुम्हारी और हमारी शत्रुता कभी भी समाप्त नहीं होगी। दैत्य सेनापति राहु, भाई भाई के बीच शत्रुता क्या उचित है? आज ही क्यों तुम्हें स्मरण आया इंद्र, कि पाताल के अंधकार में दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीते दैत्य और दानव तुम्हारे भाई हैं। तुम अपना कौन सा स्वार्थ सिद्ध करने की योजना बनाकर नारद मुनि के साथ यहाँ आयो? देव और दानव में मिलन असंभव है। क्रोधित न हो, क्रोधित न हो दैत्य सेनापति राहु। हम इस समय मित्र भाव से स्वर्गलोक में आए हैं। हम आपकी बात मानते हैं कि देव और दानवों में शत्रुता कभी समाप्त नहीं होगी। हाँ, यदि देव दानवों में शत्रुता समाप्त ही नहीं होगी तो फिर तुम्हारी मित्रता का क्या मूल्य? चले जाओ यहाँ से। दैत्य सेनापति राहु, हम इस समय ऐसा प्रस्ताव लेकर आए हैं जिससे यदि देव और दानवों में युद्ध हो भी तो किसी भी पक्ष को हानि ना हो, अर्थात सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा कौन सा उपाय है देवराज? सागर मंथन। नारायण 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 नारायण, वो उपाय है सागर मंथन। सागर मंथन, ये आप क्या कह रहे हैं नारद मुनि? हाँ सम्राट विप्रचित्, क्षीर सागर में अमृत, यदि देवता और दानव मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रज्जू बनाकर सागर मंथन करें तो उसमें से अमृत अवश्य निकलेगा, जिसे पीकर आप सभी भाई अमर हो जाएंगे। इसमें दोनों का भला है। नारायण नारायण। सत्य क्यों नहीं कहते नारद मुनि कि ये छल पूर्ण संदेश तुम्हारे छलिया नारायण का है, जो हमारी बलपूर्वक विजय को पराजय में बदल देना चाहता है। हम समुद्र मंथन में कदापि हिस्सा नहीं लेंगे। नारायण नारायण। परमवीर राहु, समुद्र मंथन का प्रस्ताव ठुकरा कर तुम लोग त्रिलोकी विजयी होने का स्वप्न खंडित कर रहे हैं। अर्थात? अर्थात नारायण नारायण। समुद्र मंथन के समय यदि देवता तुम्हारे बल की बराबरी न कर पाए तो उनका पतन निश्चित है। वे तुम्हारे प्रहार के बगैर ही अतल सागर की गहराइयों में समा जाएंगे। देवताओं का अंत सदा सदा के लिए दानवों को त्रिलोकी विजयी सिद्ध कर देगा। यदि यह अवसर, ये सुनहरा अवसर तुम गंवाना चाहते हो तो इसके लिए उत्तरदायी तुम स्वयं हो। चलो देवताओं।
लेकिन तू ये न भूलना राहु कि स्वर्ग से लौटकर देवता शांत बैठे यदि त्रिदेव और शुभ शक्तियों ने मिलकर अकेले ही समुद्र मंथन कर लिया तो अमर देवताओं के प्रहार के सामने दानवों को पाताल लोक में भी मुख छुपाने का स्थान नहीं मिलेगा। नारायण नारायण। अरे नारद मुनि, हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार। वैसे भी लंबे समय से स्वर्ग में बैठे बैठे हम ऊब गए थे। नारायण नारायण। सम्राट ऋषि चित्ती, क्या आपको भी यह प्रस्ताव स्वीकार? नारद मुनि, दैत्य और दानवों में दो मत नहीं होते। एक ने जो कह दिया उसे पूरा करने के लिए हम सब अपने प्राण लगा देंगे। आप धन्य हैं सम्राट ऋषि चित्ती, आप समय की प्रतीक्षा करें। शुभ मुहूर्त आते ही आपको समुद्र मंथन का संकेत दिया जाए। नारायण नारायण। हम दानव अपनी शक्ति से समुद्र मंथन के समय दुष्ट देवताओं को समुद्र में डूबने पर विवश कर देंगे।